हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मलाई रोल। बिल्कुल हम अलग तरीका से ब्रेड मलाई रोल घर पर बनाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी। तो ये देखिए अंदर से भी कितना सॉफ्ट है, तो ये हमारा अंदर से भी कितना सॉफ्ट लग रहा है देखने में। तो चलिए ब्रेड मलाई रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए हमने लिया है आधा लीटर दूध। तो हम पहले आधा लीटर दूध में से 120 ml के कप से एक कप निकाल लेते हैं। इसको साइड में रख लेते हैं। और हम 60 ml के कप से मिल्क पाउडर लिए हैं एक कप। 30 ml के कप से हमने एक कप चीनी लिया है। और ये हमने 60 ml के कप से दूध वाला मलाई ले लिया है, फ्रेश मलाई है। 1 टीस्पून से 1 टीस्पून देसी घी लिया है, आप चाहे तो इसके जगह बटर भी डाल सकते हैं। और हम 3 से 4 इलायची को कूट लिया है अच्छे से, इसका पाउडर बना लिए हैं। और कुछ केसर के धागे लिए हैं। और ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है पिस्ता और काजू, इसे हमने बारीक काट लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स वो डालें। और ये हमने फ्रेश ब्रेड लिया है। ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए आप भी फ्रेश ब्रेड यूज करें, ज़्यादा दिन का ब्रेड रखा हुआ ना यूज करें, फिर अच्छा नहीं बनेगा ब्रेड रोल मलाई। तो पहले हम मिल्क पाउडर से ब्रेड मलाई रोल का स्टफिंग तैयार करेंगे। तो गैस पर पहले हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई रख देते हैं, इसे गर्म कर लें। कढ़ाई हमारा नॉर्मल गर्म हो गया है, अब इसमें देसी घी डाल देंगे, दूध भी डाल देंगे इसमें। और चलाते हुए सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे इसमें। मलाई भी इसमें डाल देंगे, लेकिन इसे अच्छे से मिला ले पहले, तब डालें। इसको एकदम स्मूथ कर ले। ये हमने मलाई को अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसे अच्छे से चलाकर ठीक कर लेंगे और इसका खोया जैसा स्टफिंग तैयार करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इस दूध को हमको चलाते हुए ठीक करना है। आप थोड़ा सा भी छोड़िएगा तो नीचे से पकड़ लेगा। आप इसे अच्छे से चलाकर ही ठीक करें। तो इसे हमने थोड़ा सा ठीक कर लिया है। अब फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और इसमें 1 चम्मच भर के चीनी डालेंगे। आप इसमें चीनी ज़्यादा ना डालें क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी रहता है। और हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चला लें, इसे एकदम अच्छे से ठीक कर ले। अभी हमारा थोड़ा थोड़ा और इसमें दूध लग रहा है कि है, उसे भी हम ठीक कर लेंगे। तो इसे हमने ठीक कर लिया है, ये देखिए। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा और ठीक होगा, लेकिन नहीं, हम यहीं पर गैस को बंद करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब आधा लीटर जो दूध लिए थे इसको बॉयल करेंगे और इसे भी पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे, एकदम दूध मलाई जैसा जब तक ना हो जाए तब तक इसे ठीक करें। दूध हमारा बॉयल हो रहा है तब तक से हम ब्रेड का रोल तैयार। सारे ब्रेड का हम ब्राउन वाला पोर्शन हटा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमको सारे ब्रेड का ब्राउन वाला पोर्शन हटा लेना है। सारे ब्रेड का हमने ब्राउन वाला पोर्शन को हटा दिया है। अब हम दूध को देख लेते हैं। और दूध में हमारा बॉयल आ गया है, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें से आधी छोटी चम्मच दूध को निकाल कर हम केसर में डाल देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं केसर को।
अब हमको दूध को बॉयल करके ठीक करना है, तो मीडियम फ्लेम पे इसे बॉयल करके ठीक कर लें। दूध जब तक हमारा मलाई जैसा नहीं हो जा रहा है तब तक हम इसे ठीक करेंगे। दूध ठीक हो रहा है तब तक से हम ब्रेड मलाई रोल तैयार कर लेते हैं। तो अब इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसको पतला कर लें। ये देखिए हमारा ब्रेड एकदम पतला हो गया है। अगर आपका नहीं हो तो आप थोड़ा थोड़ा इस पे पानी छिड़क के भी कर सकते हैं। अब जो मिल्क पाउडर से हमने अभी बनाया था खोया, अब इसे लगाएंगे। ये देखिए कितना पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तो इसे चारों तरफ अच्छे से लगा लें। तो हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से लगा लिया है। अब थोड़ा सा हम पानी किनारों पे लगा देंगे और इसका रोल कर लेंगे। तो ये हमारा रोल एक तैयार हो गया है, मलाई रोल। तो ऐसे ही सारे मलाई रोल बनाकर तैयार करना है। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। पहले ब्रेड को अच्छे से बेलेंगे, इसे एकदम पतला कर लें। तो ये हमने पतला कर लिया है। अब इस पे स्टफिंग रख देते हैं, चारों तरफ से इसे फैला लें। और किनारों पर हम पानी लगा देंगे। पानी हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा ब्रेड चिपक जाए, खुले ना। तो ये देखिए एक और हमारा तैयार हो गया है मलाई रोल। तो ऐसे ही सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेते हैं। सारे ब्रेड को हमने अच्छे से रोल कर लिया है। तो कटे हुए ब्रेड को आप फेंके नहीं, मेरे YouTube चैनल पर इसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। या इसका थोड़ा सा सॉटे करके इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। दूध को भी हम देख लेते हैं, ठीक हो गया है। तो ये दूध को भी हमने अच्छे से बॉयल करके ठीक कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा मलाई जैसा दूध हमारा हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रहे हमारा स्टफिंग में भी चीनी था। तो हम इससे 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच चीनी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लें और बचा हुआ इलायची का पाउडर भी डाल देंगे इसमें। चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद फ्रीजर में रख देंगे 1/2 से 1 घंटा के लिए। उसके बाद हम इसको ब्रेड पर डालेंगे। ब्रेड पर आप इसे गरम गरम ना डालें, नहीं तो ब्रेड पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो इसे पूरी तरीके से आप ठंडा कर ले तभी डालें। 1/2 से 1 घंटा हमने इसे फ्रिज में रख लिया है। ये देखिए कितना रबड़ी की तरह हो गया है एकदम हमारा दूध वाला मलाई। अब जो हम ब्रेड का रोल बनाए हैं उस पे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध वाले मलाई को अच्छे से डाल लें ब्रेड पर। अच्छे से डाल लिया है सारे ब्रेड रोल पे। अब जो हम केसर वाला दूध है वो थोड़ा थोड़ा एक एक पर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं।
तो ये हमने सारे पे केसर वाला दूध डाल लिया है। इससे हमारा ब्रेड मलाई रोल बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब जो ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। तो ये हमने ड्राई फ्रूट डाल लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। ये देखिए हम सर्विंग प्लेट में निकाल लिए हैं। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हम अंदर का भी टेक्सचर इसका दिखा देते हैं आपको। तो एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो ये हमारा अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है। एकदम दूध अंदर तक हमारा चला गया है। तो घर पर एक बार ज़रूर बनाएं मेरे तरीका से ब्रेड मलाई रोल। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।